बड़ा लेवल। जी कैसा दोस्तों लीजिए, आ गई खुशखबरी, इरकॉन 300 के पार, 350 के पार, IRFC 270 के पार और RBNL 350 के पार, इरकॉन भी 350 के पार। कैसे आइए बड़ा लेवल खेल क्या है, और एक भी स्टॉक बेचना दोस्तों, चाहे जितना भी महंगा खरीदे हों चाहे सस्ता खरीदे हों, और जितनी भी गिरावट होती है इसके अलावा भेल और गेल सेल रेलटेल इंजीनियर्स लिमिटेड SJVN NHPC GIC NIA NFL RCF PCF REC सब बता दिए, लेकिन इस पोस्टर में जो लगा है उसके लिए ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर IRCTC की बात कर लिया जाए दोस्तों, IRCTC ये स्टॉक क्या करने वाला, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे तो हम कहे चलो बता दें। तो IRCTC जो है 800 के पार जाने वाला दोस्तों, ये 745 जो देख रहे हैं टॉप यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जबकि आज गिरावट हुई फिर भी 800 के पार, उसके बाद ये सीधे 1000 देखने को मिलेगा। IRCTC इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसका लेवल बता दें आपको, RBNL का 142 का बेस है, 156 यहाँ बता रहा है, लेकिन RBNL जाएगा आपको 300 के पार, ये लेवल है। चलिए ये जो दिख रहा है आपको वो दिखेगा और दिखना भी ज़रूरी है। अब आते हैं 100 की तो हो गया आपको RBNL का। अब आते हैं दोस्तों, ये भी RBNL का है, हाँ IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का 83.68 रुपये तो ऐसे बना हुआ है, थोड़ा सा आज ये जो है घटा है, कोई बात नहीं है, 89 को बता रहा हाईएस्ट, लेकिन ये जल्दी ही आपको जाएगा 105, उसके बाद सीधे 170, फिर 250 और 75 के बीच में। IRFC बेचना नहीं एक भी, चलिए वही है, आ जाइए। इसका नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी कॉरपोरेशन लिमिटेड। जितने भी खबर और न्यूज आपको मिलते हैं वो न्यूज खबर देखते रहिए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, वरना भारी नुकसान हो जाएगा, लेकर होल्ड करके रखिए। आने वाला समय आपको मैं बता दूं, एल्युमिनियम सेक्टर का बहुत बड़ा खेल होने वाला है, और न्यूज आ चुकी है भले आपको मालूम नहीं है, और ये सब सिस्टम है, नालको हिंडालको मनक्सिया एल्युमिनियम और मनक्सिया एल्युमिनियम कोटेड स्टॉक। अब आ जाइए दूसरा एल्युमिनियम, आपको बता ही दिए एल्युमिनियम का, नेशनल एल्युमिनियम बता दिए, इरकॉन इंटरनेशनल बता दिए, रेल विकास निगम लिमिटेड छोड़ना नहीं और खेल अभी जो है बाकी है, चलिए दिखा दे आपको। रेल विकास निगम लिमिटेड, यहाँ देखिए क्या है खेल, ये देखिए कैसे, पहले चार्ट देखिए यहाँ पे,
गिरना तो गिरेगा, गिरेगा नहीं तो फिर उठेगा कैसे? तो 2 महीना इंतज़ार करेंगे और क्या, हम 1-2 साल के लिए थोड़ी लिए हैं, लिए हैं कम से कम, कम से कम मिनिमम 3 साल के लिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी देखिए कैसे सीढ़ी बन रहा है, ये सीढ़ी देखिए, ये सीढ़ी देखिए, ये सीढ़ी देखते रहिए। आपको क्या लगता है फिर थोड़ा सा इंतज़ार कराएगा और फिर यहाँ सीधे जाएगा? कौन सा? रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल। देखिए ये, देखिए ये वो सीढ़ी है जो तेज़ी से जा रहा है, ये एक्सलेटर वाली सीढ़ी है, गोल 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 घूम के ऐसे आइए वाला सीढ़ी है, और रेल विकास निगम लिमिटेड ऐसे वाला सीढ़ी है, और ये थोड़ा आराम से, इसमें बुज़ुर्ग भी चलेंगे, बच्चे भी चलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बुज़ुर्ग चलने में इनको दिक्कत होगी और चढ़ाई है, लेकिन ये तो आराम से चलेंगे। तो ये स्टॉक जो है आपको कौन सा, इरकॉन इंटरनेशनल, बहुत तेज़ भागे गई है। अच्छा इनको देख लीजिए, आज गिरे हैं ना, ये गिरे इसलिए हैं दोस्तों कि जो खरीदे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेच कर निकल के भाग जाते हैं, अपना अपना नुकसान करेंगे और वो प्रोजेक्ट का भी नुकसान करेंगे, इसीलिए गिरना ज़रूरी है, गिरना ही चाहिए, नेशनल एलुमिनियम भी गिरना चाहिए, और जो गिरेगा तो और मज़ा आएगा, हम तो चाहते हैं कि गिरे, और गिरे तो अच्छी तरह गिरे, जिसको बेच के जाना है बेच के प्रॉफिट करके निकल के चला जाए, कोई मना थोड़ी किया है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए जिसको बुक करना है, अभी भी मार्केट जाएगा तो जाएगा, हम तो लंबे समय के लिए बात कर रहे हैं ना। आ जाइए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात कर लिया, क्यों नहीं, आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे ये देखिए अच्छी तरह देखिएगा, समझिए यहाँ गिरा, गिरा कि नहीं गिरा, कुछ दिन इंतज़ार कराया, अब कुछ दिन इंतज़ार करके लोग जिस ये चाहता है कि पेशेंस को खो दें, आप लोग घबरा देता है स्टॉक मार्केट, लगे लगे थका देता है, उसके बाद जैसे थक जाएंगे पीछे से दौड़ होकर निकल जाएंगे। और देखिए यहाँ से आराम करवाया, अब जहाँ पे जो लोग थक गए इतना दिन, अब आप खुद देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया है, और जब ये भागना शुरू किया तो किसी को पता भी नहीं चला, फिर यहाँ पर क्या हुआ, और खेल उनको फ़ायदा हुआ जो यहाँ पे पकड़े थे, ये लोग थक के जब चले जाते हैं तो थकाने वाले के तो तैयार रहते हैं, जब थक के थकते निकलते जाते हैं तो स्टॉक जो है, कुछ लोग उसी में से 90 भाग गए तो 10 बचे हैं जो पेशेंस रखे हैं, और उसमें जब खरीदारी आती है तो उनको फ़ायदा हो जाता है। देखिए अभी यहाँ फिर गिरा, देखिए अच्छी तरह देखिए, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, फिर यहाँ पर गिरा, यहाँ गिरा तो क्या हुआ, यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ गिरा तो यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ गिरा तो क्या, 100% ये जाएगा हवाई जहाज़ की रफ्तार से, कौन सा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी जान लीजिए। हाँ थोड़ा बहुत कर्जा है, अरे कर्जा है तो और बढ़िया, और थोड़ा ज़्यादा कर्जा हो जाए तो ये और बड़ा स्टॉक बन जाएगा। और दूसरी बात की मार्केट कैप कहाँ घटा है, 1,08,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी देखिए कल क्या होता है, बेच वो तो चाहते हैं कि थोड़े लोग बेच के भागे यहाँ से ताकि हम इसको ख़रीदें। 68 रुपये का देखिए, ये 68 रुपये पे आया, 68 रुपये तो सीधे गया था आपको 91-92 रुपये, गया कि नहीं गया, देख लीजिए यहाँ पे 92 रुपया 35 पैसा, टारगेट हमारा 105 का है, अब की बार उड़ेगा तो 105 भी सीधे क्रॉस करके वो पता नहीं कहाँ उड़ के चला जाएगा, ठिकाना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 72 रुपये पे प्रॉफिट बुक करके गए, जो 72 रुपये पर प्रॉफिट बुक करके गए, थोड़ा सा 3-4 रुपये गिरा, 3-4 दिन में इतना बड़ा नुकसान हो गया, कम से कम 20 रुपये का, उतना 20 रुपये थोड़ी कमा लेंगे। चलिए कल है महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि दोस्तों, मासिक शिवरात्रि कल है, भाद्र पक्ष की हर महीने एक होता है महाशिवरात्रि, एक होता है महाशिवरात्रि जो मार्च में होली के समय होता है, और हर महीने की शिवरात्रि होती है, नहीं जानते तो जान लीजिए दोस्तों। तो भगवान शिव की आराधना करते हैं जो, उनको मैं बता दूं
चलिए ये तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें एक स्क्रीनशॉट आया था इसलिए हमने बता दिया। जय जय भोले शिव शंकर, आप सभी की भोलेनाथ कल्याण करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक कर दीजिए दोस्तों।